मालवी भूमि को गुजराती रंग में रंगने के लिए दैनिक दबंग दुनिया एवं श्री गुजराती समाज के संयुक्त तत्वाधान में मध्य भारत के सबसे बड़े गरबा डाकला महोत्सव में फिल्मी अभिनेत्री जयप्रदा ने शिरकत की। इस दौरान में दबंग दुनिया के हेड ऑफिस भी पहुंची, यहां उनका शानदार स्वागत किया गया। अभिनेत्री जयप्रदा ने दबंग न्यूज के एडिटर इन चीफ श्री मनोहर राजपूत से विशेष चर्चा की। जयप्रदा ने कहा कि फिल्म और राजनीति दोनों ही प्रोफेशन में जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने डाकला गरबा महोत्सव में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। बहुत अच्छा लगा मुझे इंदौर में आकर, और आज नवरात्रि का पहला दिन है, माता दुर्गा का सभी लोग, ये बहुत बड़ी त्यौहार है हमारे लिए, और सब लोग आज उपवास रख के माता को यही प्रार्थना करते हैं कि सुख जीवन और शांति का माहौल, और भगवान से, माता से हर खुशी के लिए हम मांग करते हैं। हमने एक फिल्मी दुनिया से राजनीति में प्रवेश किया, चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी बने, चुनाव हारे। क्या लगता है राजनीति गंदी चीज़ है या फिल्म इंडस्ट्री अच्छी चीज़ है? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों प्रोफेशन, चाहे राजनीति हो या फिल्म दुनिया हो, कि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, और जो जो मैंने किरदार निभाई तो जनता ने मुझे स्वीकारा और सराहा, प्यार दिया। उसके बदले में राजनीति में उनको कुछ समाज को देना चाहती थी, तो ये एक ऐसा एक मौका है मेरे लिए कि जहाँ पे जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों को हम काम करने का एक, क्योंकि अकेले में समाज में मैं कई लोगों को काम नहीं कर पाऊँगी। पॉलिटिकली हम लोग कुछ पद पर होते हैं तो गरीब से गरीब लोगों को हम कुछ काम करने के लायक बनते हैं, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स एक बोनस है। तो खास मैं 16 साल में सांसद रही, और एक व्यक्ति के लिए अगर 16 साल राजनीति में सांसद बनना हमारे लिए एक गर्व की बात है, और ख़ासतौर मैं राजनीति में होते हुए भी फिल्म्स भी मैं काम करती रहती हूँ, उसमें मुझे एक सेटिस्फेक्शन भी है, क्योंकि बचपन से मैं फिल्मों में रही, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँ। आगे हमारे साथ थे फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी, जिन्होंने अपने अनुभव बताए न्यूज के साथ में।